छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के नगर निगम के वार्ड क्रमांक 51 में नागरिकों को सुचारू रूप से मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के कारण जिले के सभी कांग्रेसी पार्षद ने नगर पालिका निगम के आयुक्त को समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। वहीं इस ज्ञापन में कांग्रेस पार्षदों ने बताया है कि बोरिंग रिपेयरिंग, सेप्टिक सफाई कार्य, मृत मवेशी निष्पादन और वाटिका के रखरखाव नहीं होने से व्यवस्था चरमरा गई है। इसी के साथ ही मूलभूत सुविधाएं नागरिकों को एक सप्ताह के अंदर दुरुस्त कराई जाएं, नहीं तो सभी कांग्रेस पार्षद आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसी क्रम में महापौर हेमा देशमुख ने बताया है कि नई सरकार आने के बाद सफाई व्यवस्था, जल व्यवस्था और सभी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते सभी पार्षद साथी लगातार परेशान हैं। राजनांदगांव से संवाददाता नेमेश अग्रवाल की रिपोर्ट। नई सत्ता सरकार के आते ही ना ही सफाई व्यवस्था पे, ना ही जल पे, ना ही मूलभूत सुविधाओं पे कोई ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि उसमें कटौती कर दी जा रही है। पार्षद साथी लगातार परेशान हैं कर्मचारियों की कटौती होने से। मृत मवेशी के निष्पादन के काम नहीं हो पा रहा है। लाइट के लिए टावर लोडर जैसे चीज़ों को चलाने के लिए ड्राइवर नहीं मिल रहा है। चैन माउंटेन जैसी चीज़ों के लिए ड्राइवर नहीं मिल रहा है। और मूलभूत सुविधा जैसे कि हमारा जल पानी सफाई है, इसके लिए कर्मचारी नहीं है हमारे पास, उनको पृथक कर दिया गया है। उद्यान और वाटिका को मेंटेन करने के लिए कोई प्लान नहीं है। और लगातार पार्षदों की मांग के कारण, मांग के बाद भी उनको सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। सफाई ठेके से यहाँ जहाँ पे काम कर रहे हैं कर्मचारी, वहाँ से कर्मचारी को, एक एक कर्मचारी को अलग करके कलेक्ट्रेट भेजा जा रहा है। यानी हर तरह से वार्ड प्रभावित हो रहा है, जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं। पार्षद जनता के काम करने के लिए बैठा है, अगर जनता को सुविधा नहीं दी जाएगी, पार्षद को सुविधा नहीं दी जाएगी, तो वो जनता के काम कैसे कराएंगे। इसी के तहत लगातार मांग करते हुए, बार बार चेतावनी देने के बाद भी अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो सारे पार्षद साथी हमारे वहाँ पे जाके उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और कहा है अगर मूलभूत सुविधा एक हफ्ते के अंदर सुधारा नहीं जाएगा तो आंदोलन के लिए बाध्य हो गया।